हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, अभी अभी एसएससी ने, आपने नोटिफिकेशन देखा, मैंने उसकी वीडियो अपलोड की थी। वो नोटिफिकेशन मेरे पास अन्नु नाम की हमारे एक स्टूडेंट है यूट्यूब पे ही, उसने मुझे भेजा, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। उस लड़की को धन्यवाद दीजिएगा आप। बच्चों, यहाँ साथ ही साथ आपको समय मिल चुका है तैयारी करने का, बहुत अच्छा। आप इसको हल्के मत लेना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात थी। अगर आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट तो अब आगे बढ़ गई है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करेंगे, बच्चों ऐसा मत सोचना। डेट आगे बढ़ी है, समझो आपको अवसर मिले हैं। कहना मोदी जी का कि आपदा को अवसर में बदलना है, यही सुनहरा मौका है आपके लिए भी और आपके अन्य साथियों के लिए भी। घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में पढ़ते रहिए। अब जब लॉकडाउन से बाहर निकलें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के ही निकलें, बस जॉब आपके हाथ में हो, कन्फर्म रहे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। जुड़ रही है मुझसे, 90+ तक पहुँचा दूँ आपको अगर समय मिलता रहा तो, गारंटी रखिए, ध्यान रखें। आज का सेट नंबर है 25, मेरे रोक को मन एरर से, बुक को आगे और पीछे दोनों तरफ लगाया हुआ है मैंने। बुक लगभग समाप्ति पे है, इसलिए मैं अपने रूल्स भी लेकर के आ गया हूँ यूट्यूब पे, वहाँ भी देखते रह कर रूल्स को साथ साथ कॉपी करते हुए चलें। क्योंकि जिस दिन मैं प्रैक्टिस कराऊँगा, मैं प्रैक्टिस भी कम से कम आपको 4 या 5 बुक से कराऊँगा अलग अलग, जिससे कि आपको पता चले कि हमारे रूल्स सब जगह फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपने प्रैक्टिस सेट नहीं कराऊँगा, बुक के ही कराऊँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। बच्चों, सेंटेंस में कहा उसने बिटवीन यू एंड आई। बच्चों, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में उसने जो कहा बिटवीन आपका एक प्रपोजिशन है। क्या है बिटवीन? आपका एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, ना कि सब्जेक्ट। तो बिटवीन यू एंड आई की जगह आप कर दीजिए मी, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस तरह से सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रॉइट्स हाउ एवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। आपको बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। रॉइट्स हाउ एवर डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में आप लोग, बहुत सुंदर सी बात उसने कही यहाँ पर सेंटेंस में। यहाँ उसने कहा कि टू टर्न हिम, टू टर्न टू नॉन वायलेंस। बच्चों, आपको दिख रहा है यहाँ पर इससे पहले मेक, क्या दिख रहा है? मेक। मैंने आपको बताया है कि ये मेक, हैव, लेट और गेट, ये चार आपकी हैं कॉजिटिव वर्ब। क्या हैं आपके ये? कॉजिटिव वर्ब। हालांकि मैं लेट के ऊपर और गेट के ऊपर अलग से ही वीडियो बना चुका हूँ इंग्लिश स्पीकिंग वे में, लेकिन आप उसको देख लिया करें, इंग्लिश स्पीकिंग भी मजबूत हो जाएगी, ग्रामर भी। लेट और गेट, हैव, मेक, ये चारों पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा डायरेक्ट आया करती है फर्स्ट फॉर्म में, बिना टू के। यहाँ पे टू टर्न नहीं होगा, सी पार्ट में आपको टू हटाना होगा तो ही सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आई ऑफन वांडर टू हूम डज अ नेशन ओव्स इट्स ग्रेटेस्ट डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। थर्ड सेंटेंस में आपको बताना है कि किस सेंटेंस में होगी एरर, बच्चों ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेंटेंस में आई ओफन वांडर टू हूम डज, बच्चों यहाँ पे डब्लू फैमिली के तुरंत बाद उसने लगाया डज, जबकि बच्चों ये हूम जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्या हूम? आपका एक ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब नहीं आ सकती, कभी भी आपकी वर्ब नहीं आ सकती यहाँ पे। तो इस सेंटेंस में से आपको डज को हटाना होगा, सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा बस। आई ओफन वांडर टू हूम अ नेशन ओव्स इट्स ग्रेटेस्ट डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ए पार्ट में हो जाएगी एरर। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर, उसने कोशिश करी कैन को ओपन करने की कैन ओपनर के द्वारा। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर। फोर्थ सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप बाय की जगह, अच्छा होगा कि आप विद का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? विद का। बाय का इस्तेमाल करते हैं तब जब काम कोई लिविंग बींग के द्वारा हो रहा हो। किसके द्वारा हो रहा हो? लिविंग बींग के द्वारा। आपने पढ़ा भी होगा कई बार, रावणा किल्ड बाय रामा, रावणा किल्ड बाय रामा, द माउस कट बाय द कैट। यस, जब कोई काम लिविंग बींग के द्वारा हो, लेकिन जब कोई काम नॉन लिविंग के द्वारा हो रहा हो तब आप इस्तेमाल करते हैं विद का। किसका? विद का। आई रोट दिस लेटर विद अ पेन, शी कट हर फिंगर विद अ ब्लेड। यस, तो यहाँ पे काम हो रहा है कैन ओपनर के द्वारा, आप सेंटेंस में लगाएंगे विद ना कि बाय। यस, तो सेंटेंस में हो जाएगा आपका, तो सेंटेंस में सी पार्ट में बाय की जगह लगाइएगा विद। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, यू एंड आई एम, बच्चों दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं। जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों
तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। पहली बात तो यही, यहाँ एम की जगह आपको आर करना होगा। यू एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग टुमारो। इसके बी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस नंबर 6, यहीं पे ये, प्रेस्ड बाय हिज स्टूडेंट द प्रिंसिपल सडनली सेड दैट आई एम इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वारल। बच्चों 6 सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस पूरा का पूरा पार्ट में चल रहा है। पहले प्रेस्ड आ गया, उसके बाद में सैड आ गया, तो आप यहाँ पे लगा रहे हैं एम। जी नहीं, आपको लगाना होगा बोज, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में है तो पूरा पास्ट में ही चलेगा। लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। बच्चों ये बात सत्य है कि गेट के साथ और बिकम के साथ कभी भी अगर आपको डिग्री लगानी पड़े तो वो हमेशा कंपेरेटिव डिग्री ही होगी, जो कि यहाँ पर ठीक थी। यस, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर उसने डाउट के साथ में विद लगाया। बच्चों ये एक फ्रेजल वर्ब है, इन डाउट, इन कन्फ्यूज़न, इन डिलेमा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपको उनके साथ में सबके साथ इन ही लगाना होता है जब भी बात हो दुविधा की। इसकी दुविधा की, इन डाउट, इन कन्फ्यूज़न, इन डिलेमा, इन सस्पेक्ट, सबके साथ इन ही आएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ पर विद की जगह इन हो जाएगा, बी पार्ट में हो जाएगा इसके एरर। द ड्राइवर सेड दैट 100 किलोमीटर इज अ शॉर्ट डिस्टेंस विच ही कुड ओवर कवर इन हाफ एन आवर और इन 42-45 मिनट्स। आप कहेंगे मैंने आफ्टर ऑल क्यों नहीं पढ़ा यहाँ पे। बच्चों कोमे से कोमे तक के पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। द ड्राइवर सैड पार्ट में चल रहा है, आगे आपको कुड दिख रहा है, पार्ट में चल रहा है, इसी बीच ए पार्ट में वो इज़ लगा रहा है। द ड्राइवर सैड दैट 100 किलोमीटर इज, आप इज़ की जगह आपको वॉज करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही रामबाण रूल है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। व्हेन द स्टूडेंट रीच लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास विदाउट हिज परमिशन। बच्चों व्हेन द स्टूडेंट रीच लेट द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर एंटरिंग द क्लास। बच्चों ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रपोजिशन हमेशा टू आया ही करती है, ऑब्जेक्ट टू। यस, तो यहाँ पे बी पार्ट में ऑब्जेक्ट टू या फिर ऑब्जेक्ट देयर टू एंटर द क्लास, आप इसे ऐसे भी ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा, ही इज़ अ लोनली मैन हु इज़ नॉट टेकन सीरियसली बाय हिज ओन पीपल एंड येट ही कैन नॉट कीप हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम देम एंड देयर माइजरी। बच्चों यहाँ सबसे खुशी की बात यह कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, ही इज़ अ लोनली मैन हु इज़ नॉट टेकन बाई हिज ओन पीपल येट ही कैन नॉट, फिर आगे कैन आ रहा है, तो सेंटेंस है आपका बिल्कुल करेक्ट, नो एरर। आई हैव ऑफन स्टूड इन नीड ऑफ माई डॉग्स कंपनी एंड आई हैव डिजायर्ड फ्रॉम द मेयर फैक्ट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस अ ग्रेट सेंस ऑफ इनवर्ड सिक्योरिटी। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। बच्चों यहाँ पर भी अगर आप गौर करें कि उसने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद उसने हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई, सेंटेंस एंड से कनेक्ट हुआ है दोनों को, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये सेंटेंस भी हुआ आपका नो एरर। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क, गलत हो गया बच्चों यहाँ पे बी पार्ट में, जब नेवर से शुरुआत हो गई ये वर्ड की, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से हो जाए, किससे हो जाए, नेगेटिव वर्ड से, या फिर दूसरी बात रखें, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो जाए, किससे हो जाए, एडवर्ब से हो जाए, तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आनी चाहिए। यहाँ पे उसने कहा नेवर ही आस्क, नेवर ही आस्क, जो कि गलत है, सेंटेंस होना चाहिए था नेवर डिड ही आस्क, नेवर डिड ही आस्क, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज़ अ म्यूजिशियन। ही इज़ नॉट अ एन आर्टिस्ट नॉर, बच्चों ध्यान देने का, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे नेदर नोर वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे नोट की जगह नेदर लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है दोनों की, तो जो बात रहेगी नेदर के पास वही बात रहनी चाहिए नोर के पास भी। ही इज़ नॉट एन आर्टिस्ट नोर अ म्यूजिशियन, ना कि ही इज़, बी पार्ट में से आपको ही इज़ हटाना होगा तो ही सेंटेंस करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया कई बार आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए तो ही सेंटेंस होगा करेक्ट। देर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन, बच्चों मैनी के बाद वो लगा रहा है आर्टिकल ए या एन, क्या लगा रहा है ए या एन, और उसके बाद आना चाहिए था सिंगुलर नाउन जो कि उसने लगाया स्लिप्स, तो ये गलत है पहली बात, तो स्लिप्स को करेंगे स्लिप। साथ ही साथ वर्ब आया करते हैं सिंगुलर वर्ब जो उसने लगाई आर, ये भी गलत है, यहाँ पे करेंगे इज, क्या करेंगे इज। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, इस तरह सेंटेंस ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर मैनी एन एडवेंचर द एक्सप्लोरर फाइनली सेट फुट ऑन द इंग्लिश सॉइल। मैनी एन एडवेंचर, अभी बताया मैंने आपको मैनी के साथ अगर आर्टिकल लगा हो ए या एन तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, हालांकि उसने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करा है, सेट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में सेम रहती है, तो यानी कि सेंटेंस आपका हो गया नो एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो बच्चों ये था आपका एक सेट नंबर 25 कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम में आया होगा 1990 के, जिसको मैंने आपको बहुत बेहतर तरह से सोल्व करने की कोशिश करी। बच्चों मैं आपको फिर बार बार कहूँगा कि आप इस मेथड को मत भूल जाना, ये प्रैक्टिस करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, बोर्ड पे मैं इसको भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन इस तरह से काम भी ज़्यादा होता है और बात भी समझ में जल्दी आती है। बोर्ड पे मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर की और अच्छी बातें बताता रहूँगा, इसको मत छोड़ेगा कभी भी। तो फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस।